आप सभी को सादर प्रणाम, स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यमुना के रीजन में एक नई स्कीम आने वाली रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, उसी के साथ साथ यहां और भी स्कीम आएंगी जिसमें आपका इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, अन्य स्कीम भी आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस थे कि भैया आपकी क्या रेट आएगा, कितने रुपए पे वो अलॉटमेंट निकालेंगे, इंडस्ट्री की आएगी तो क्या रेट होगी, पहले क्या रेट था। तो हम यमुना का ये प्रॉपर जो यमुना की तरफ से जारी किया गया एक रेट चार्ट है कि किसका कितने दर पे अलॉटमेंट अब निकलेगी, यानी कि उन्होंने एक डेट थी कि 26 तारीख, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि 26 तारीख से जो भी अलॉटमेंट होगी, 26/3 का उनका ये आदेश है, इसके बाद जो भी अलॉटमेंट आएगी वो इन नए रेट पे आएगी। मतलब इस वित्तीय वर्ष में जितने भी नए अलॉटमेंट रेट आएंगे इस पे वो स्कीम आपकी निकलेगी। अगर मैं बात करूं रिहायश सेक्टर की, मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आवासीय। आवासीय की जो नीलामी दर है, जो आवंटन दर है 2024 और 2025, ध्यान रहे ये सिर्फ एक साल के लिए है, जो अपना ईयर चल रहा है 2024 और 2025 वित्तीय वर्ष के लिए है। इस वित्तीय वर्ष में 25,900, यानी कि अब जो आपके 2000 प्लॉटों की जो स्कीम आएगी ना सेक्टर उसकी पांच की, तो वो आपकी 25,900 पे आएगी। अब ये आपका रेट है। अगर आप लाते हैं मतलब FAR इसका मोर देन जाता है, व्यावसायिक वगैरह में जाता है, कमर्शियल में अगर जाती है चीजें, तो कमर्शियल का आपका रेट आएगा 51,800, 62,200, 32,375 रुपए। ये आपकी स्कीम के रेट है। अब हम आते हैं ग्रुप हाउसिंग पे कि भाई ग्रुप हाउसिंग की क्या क्या स्कीम है, ग्रुप हाउसिंग का क्या रेट आएगा। इसमें ग्रुप हाउसिंग में कौन कौन से आते हैं, ग्रुप हाउसिंग का अपना है 33,375 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट है, ध्यान रखना लैंड का। इंस्टीट्यूशनल की हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी स्कूल, स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स अकेडमी। तो ये उनके लिए जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं या जिनको इस पेशे में काम करना है, तो उन लोगों के लिए भी कि अगर वो स्पोर्ट्स अकेडमी खोलते हैं अपनी, कोई स्पोर्ट्स की चीजें करते हैं, यदि आप 4000 स्क्वायर मीटर तक अगर आप लेते हैं 4000 स्क्वायर मीटर तक, तो आपको चुकाना होगा 15,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर आप जाते हैं 4000 से 8000 के बीच में तो 13,560, 8000 से 20000 तक तो 12,110, अगर आप जाते हैं 40000 से 80000 तो आपको 9,200 रुपए, और 80000 वर्ग मीटर से यानी कि लाख मीटर तक तो आपको 7,930 रुपए पर स्क्वायर मीटर का अथॉरिटी आपसे पे करेगी, इसी दर पे उसकी अलॉटमेंट आएगी। अब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका बिजली का सब स्टेशन आ गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आपके दूरभाष के सरकारी कार्यालय आ गए, मान लो कोई सरकार का कोई बड़ा ऑफिस आता है, कोई अपनी कोई यूनिट स्थापित करती है यमुना रीजन में, तो उसको 11,900 की दर पर आवंटन किया जाएगा। इसमें मिल्क बूथ भी है, जैसे आपने देखा सेक्टरों में पराग डेयरी, पराग का मदर डेयरी के मिल्क बूथ होते हैं, और एक्स सर्विसमैन को काफी ज्यादा छूट भी मिलती है, तो उनके लिए जो अलॉटमेंट आएगी वो 11,900 रुपए की आएगी। कोई अपना धार्मिक स्थल, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा एक सिद्ध स्थान बनाना चाहता है, कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहता है, कोई आश्रम बनाना चाहता है, तो उसके लिए यमुना में 10,170 रुपए की अलॉटमेंट है, यानी कि जितना भी साइज होगा उसकी गुणा 10,170 रुपए से आपको करनी होगी, इतने रुपए पर मीटर का आपका एरिया है। हॉस्पिटल के लिए 22,770 इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई हॉस्पिटल के चीजें भी थोड़े इलाज महंगे, कमाई भी अच्छी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 25,000 रुपए, कॉर्पोरेट की जो लैंड है 25,000 रुपए रखी गई है। अगर हम बात करें IT & ITES की, तो 4,000 स्क्वायर मीटर तक आपका 70,150 आपका अलॉटमेंट रेट है। मतलब जिस ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ, इस अलॉटमेंट रेट पर आपकी स्कीमें आएंगी, जितनी भी साइज अगर आपका 4000 से ऊपर जाता है, मतलब हर तरीके का उन्होंने दिया हुआ है कि भाई 4000 तक 17,510 है, 4 से 8 के बीच में 15,490 है, 8000 से ऊपर 13,830, मतलब जैसे साइज बढ़ता जाएगा रेट में कम होते चले जाएंगे, 80000 से वर्ग मीटर से ऊपर आपका 9,060 रुपए की स्कीम आएगी। अगर हम आते हैं अपने सबसे जो प्रीमियम चीजें पूछने वाली है इंडस्ट्री के बारे में कि भाई इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री 6,710 से निकली थी, मतलब 6,000-7,000 इस तरीके से इंडस्ट्री का रेट था, लेकिन आज इंडस्ट्री की जो चीज है ना आप देखो 4,000 वर्ग मीटर यानी कि 300 स्क्वायर मीटर से
4000 स्क्वायर मीटर तक का जो रेट है 14,240 है। मिनिमम साइज यमुना में इंडस्ट्री का 300 स्क्वायर मीटर है, इतना मिनिमम साइज है, ठीक है। 8000 से ऊपर जाएंगे 20,000 तक तो 8000 से 20,000 तक 10,290 है, 4000 से 8000 तक 12,130, और बड़ा साइज लेते हैं आप 80,000 के समथिंग, तो आपको 8,670 रुपए पे करने होंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये आपकी इसमें अलॉटमेंट और नीलामी की दोनों दरें शामिल है, मतलब अगर 4000 से नीचे तो आपकी अलॉटमेंट के द्वारा होंगी, उससे ऊपर जाओगे तो नीलामी के द्वारा होंगी जिसमें बोली लगती है। वेयर हाउस ले रहे हो तो जो उपरोक्त क्रमांक 6 है औद्योगिक दरों के समान दर, मतलब जितना भी ये है ना ये इसके समान लगेगी 80,000 वाले के समान, 8,670 रुपए। अब रिक्रिएशनल गोल्फ कोर्स रेस कोर्स इस तरीके को करना चाहता है तो उसकी 4000 मीटर तक का 12,150 है, और उससे ऊपर जाता है तो आपका 10,970 रुपए, और जितना बड़ा साइज है उसी के हिसाब से इसमें चीजें हैं। ये FAR के हिसाब से रेट इसमें दिए गए, बाकी अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए इसके रिलेटेड तो मुझे आप बता सकते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क जिसको ज्यादातर ये लोग दिखा रहे हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क में हम लोग ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कंपनियां लेके आ रहे हैं, तो वहां अगर कोई अपना खरीदना चाहता है 4000 मीटर तक का तो 7,360 वहां रियायत दी जा रही है उनको, इसलिए रेट कम है कि 7,360 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट उन्होंने निकाला है। ये सारी जो दरें हैं जितनी भी जो रेट लिस्ट है 1/4/2024 से प्रभावी है, अथॉरिटी की तरफ से इशू ये प्रमाणित PDF विशंबर जो महाप्रबंधक है वहां के GM जो है उनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है जी। तो साथियों ये सारी दरें थी, और हम मोटा मोटा हमारा जो आइडिया यही है कि रेजिडेंशियल आपका 25,900 पे निकलेगा और इंडस्ट्री आपकी 14,000 के समथिंग आएगी, मतलब अब स्कीम जो आएंगी रेजिडेंशियल प्लॉट की 25,900 और इंडस्ट्री आपकी 14,000, बाकी साइज के हिसाब से अप एंड डाउन है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी चीजों की जानकारी लेनी है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक जानकारी और मैं दे रहा हूँ कि अब हमारे इसी चैनल पर आपको स्कीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारी अपडेट मिलेंगी, कैसे भरना है, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। इसमें यह भी रहेगा कि जो आपके जितने भी क्वेश्चंस पुट अप आप करते हैं कमेंट्स में या जो आपकी क्वेरीज है उनके बारे में मैं इस वीडियोज में आगे जो भी सीरीज आएंगी प्रॉपर आपको बताता रहूंगा। तो मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों को बच्चों को फैमिली में शेयर कर सकते हैं ताकि याद रहे उन्हें भी, और नोटिफिकेशन आप प्रेस कर सकते हैं सब्सक्राइब करके कि सारी वीडियो पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।